सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे हैं और क्लासेस इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक मात्रा, और कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। तो मुझे, जैसे आपको पता है कि आपने 2, 3, 4 अक्षर के शब्द सीख लिए हैं, अब नेक्स्ट हम करेंगे आ की मात्रा। तो देखिए, ये सीधी रेखा जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या होती है? हमारी आ की मात्रा होती है। और आ की मात्रा हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमेशा व्यंजन के साथ। तो भी आपने देखा कि कैसे होती है देखने में, एक सीधी रेखा जैसी, यहाँ भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ, ओके? उसको देखेंगे ध्यान से और सीखेंगे। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, क्या है? कर, कर, कर। और अगर हम बीच में आ की मात्रा लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना सभी, अभी देखिए, क आर, कार। दोबारा बोलिए, क आर, कार। पहले क्या लिखा हुआ था? कर, कर, और हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कार, क आ र, कार। अब इसको पढ़िए, द ल, दल। और अगर हम बीच में यहाँ लगा देते हैं आ की मात्रा, तो अभी देखिए क्या बन गया है? द आ ल, दाल, द आल, दाल। इसे पढ़िए एक बार, प आन, पान। और यदि हम यह आ की मात्रा यहाँ लगा देते हैं तो भी पढ़िए ये क्या बन गया है? प आन, पान। और ये देखिए, अ आ ज, आज। तो आपको जब आ की मात्रा बोलनी है तो आपको अपना माउथ ज़्यादा ओपन करना है, जैसे पान, दाल, कार, राम, माना, चना, इस तरीके से, ओके? आज। और मैं आपको अभी अपनी आपकी नोटबुक में बताती हूँ आप कैसे करेंगे। ये देखिए, ये आपकी हिंदी नोटबुक है, इधर आपको पहले आ की मात्रा का सिंपल बनाना है और फिर लिखना है चित्र देखकर शब्द लिखिए। ये देखिए क्या है? आम। तो आम कैसे लिखते हैं? आ म, आम। छाता, छ आ त आ, छाता। जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखना है, त आ रा आ, तारा। ग आ जर, काजर। ट म आ टर, टमाटर। तो आपको सही से प्रोनाउंस करना है तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू एंड बाय बाय।